अभी अभी हमने रिमूव डुप्लीकेट और एडवांस फिल्टर के बारे में जाना। हमने बताया कि किस तरीके से आप एडवांस फिल्टर लगा के एक कंडीशंस के हिसाब से डेटा को कॉपी कर सकते हैं या डेटा को पेस्ट कर सकते हैं किसी और लोकेशंस। तो इसी से सिमिलर एक कैटेगरी है फॉर्मूले की, वो है डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि मुझे ऑनलाइन का टोटल सेल चाहिए, तो हमने बताया था कि इसके लिए हम सिंपल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ और इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉमा इसको सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑनलाइन का टोटल सेल दिख जाएगा। मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि ऑनलाइन और एमबी का प्रोडक्ट में एमबी का क्या सेल है, तो इसके लिए हम आपको बताए थे लास्ट क्लासेस में कि हम सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। सम रेंज को सेलेक्ट करें, क्राइटेरिया वन रेंज जो कि मैच करेगा ऑनलाइन से, क्राइटेरिया टू रेंज जो प्रोडक्ट से मैच करेगा, और यहाँ पे टोटल मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इस सारे कंडीशन को मैच करके टोटल सेल्स मुझे यहाँ शो करने। तो अब यहाँ पे सोच लीजिए कितने तीन सम इफ्स लगाने पड़ेंगे, हर लाइन की कंडीशन और क्राइटेरिया चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस लिस्ट में डी सम का इस्तेमाल कर लें। डी सम या डी काउंट, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्स, डी मीन, ये जो फॉर्मूले है इन लगाने का तरीका सिर्फ एक जैसा है, बट रिजल्ट अलग अलग आता है। इसलिए हमने सम को ले लिया, सॉरी यहाँ पे डेटाबेस को ले लिया फिल्ड। किस फील्ड का सम करना है, हमने सेलेक्ट किया क्वांटिटी, यहाँ में क्वांटिटी का सम करना है। उसके बाद हम यहाँ क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे और फिर क्राइटेरिया का सम निकलेगा। तो इन सबों के अगेंस्ट का जो टोटल है वो 1511 है। आप एडवांस फिल्टर लगा के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सौ ग्यारह, ठीक है। और क्या क्या फॉर्मूले हैं, चलिए इसमें हम बताते हैं। डी सम हो गया, उसके बाद हमारे पास डी गेट का फॉर्मूला है। डी गेट फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस को देते हैं फील्ड को। अब यहाँ डी गेट में एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। डी गेट यूनिक वैल्यू पे काम करता है, या यूनिक वैल्यू पे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ऑन यहाँ ए दे दिया कि कविता की क्वांटिटी मुझे यहाँ पे शो करनी है, तो यहाँ अगर मैं डी गेट का फॉर्मूला लगाता हूँ, हमें डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया, हमें क्वांटिटी देखनी है, हमने क्वांटिटी को लिया और हम यहाँ क्राइटेरिया को ले लेते हैं। एंटर प्रेस करने पे रिजल्ट 69 आपको आया, क्योंकि तो कविता और रैम यूनिक है। अगर मान लीजिए कि मैं कविता रैम यहाँ भी नीचे भी डाल देता हूँ डायरेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे नम का एरो आएगा। तो जो क्राइटेरिया आप मैच करना चाहते हो मल्टीपल टाइम डेटा में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर आपका डेटा सही से मैच नहीं करेगा। समझ गए सर? तो डी गेट का फॉर्मूला। अब डी गेट के बाद अगला फॉर्मूला आता है जैसे कि डी एवरेज। तो लगाने का तरीका आपका सेम है कि डी एवरेज का फॉर्मूला आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और डेटाबेस को सिलेक्ट करें, और किस फील्ड का आपको एवरेज निकालना है या मैक्स निकालना है वो फील्ड को सिलेक्ट करें और अपनी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करें। जो भी आपके एक या एक से ज़्यादा या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया है ये आपका एवरेज आएगा। अब इसके सारे लिस्ट देखने के लिए आपको जाना होगा फॉर्मूला मेनू बार में, और यहाँ पे मैथमेटिकल, यहाँ सॉरी मैथमेटिकल नहीं, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कर लीजिए। इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने आता है डेटाबेस, और डेटाबेस में आप यहाँ पे देखिए आपके सामने डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंटेड,
डी एवरेज एवरेज निकालता है, डी काउंट काउंट निकालता है नंबर की, डी काउंट ए आपका नंबर एंड टेक्स्ट दोनों का काउंट निकालता है, डी गेट बताए मैंने आपको, डी मैक्स मैक्सिमम नंबर निकालता है, डी मीन मिनिमम नंबर दिखाता है, डी प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करता है, ए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, ए स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें निकालता है इंटायर पॉपुलेशन, इसका एक फॉर्मूला है, डी सम हो गया, डी वेरिएंस निकालता है एंड वी वेरिएंस का एक इंटायर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो वीर सिंह जी,